हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो सही बात है, आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्लास 11 कॉमर्स के बारे में। क्या सब्जेक्ट है उसको देख लेंगे, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और हम लोग क्लास रेगुलर कल से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए क्लास 11 कॉमर्स। ये देखिए, अभी आप क्लास 10 में हैं, 11 में जाएंगे और आप डिसाइड कर रही हैं कॉमर्स है ना, वेल एंड गुड। क्लास 11 और क्या डिसाइड किया हम लोग कॉमर्स लेना है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हम लोग को चॉइस करना है। ये देखो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहे हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट नंबर 1, सबसे पहला पेपर हम लोग का रहेगा इंग्लिश कोर, सही है, इंग्लिश कोर। साहब दूसरा पेपर और हम लोग का मेन पेपर अकाउंटेंसी, साहब थर्ड पेपर बिजनेस स्टडीज, साहब आपका फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स, आपका फिफ्थ पेपर। अब यहां से आपका चॉइस शुरू होता है, यहां से आपका चॉइस शुरू होता है। तो सबसे सुंदर चॉइस और बेस्ट चॉइस आप मैथ्स ले लीजिए, तो क्या बोलेंगे, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। पांचवी पेपर रखिए, हो सकता है मैथ्स एडवांस मैथ्स नहीं लिए हैं, बेसिक लिए हैं तब मैथ्स आप नहीं ले सकते, तब क्या करना होगा आपको, मैथ्स के जगह पे आप आईपी ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, पेंटिंग ले सकते हैं, पेंटिंग ले लीजिए आप, डांस ले सकते हैं, ईएनटी एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं,
या स्कल्पचर ले सकते हैं, स्कल्पचर ले सकते हैं, देख लीजिएगा। अब ऑप्शन क्या है कि इसमें आप जिस कलर से ले रहे उसमें पेंटिंग है कि नहीं, डांस है कि नहीं, उसके अनुसार आप ले लिए, ठीक है। और आप पांच पहले एग्जाम दे सकते हैं, और सिक्स फोर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, और सलस एंड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अगर हो सकता है आप यहां मैथ्स ले लिए तो आप यहां सिक्स्थ में क्या ले लीजिए, फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, तो आपका सिक्स्थ पेपर, आप पेंटिंग ले लीजिए, सही है, एक टफ पेपर ले लिए तो आसान ले लीजिए, आप डांस ले लीजिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स ले लिए, आईपीबी ले लिए, हिंदी भी ले लिए, इसमें से एक पेपर ले लीजिए यहां पे, इसमें से एक पेपर नीचे ले लीजिए, ठीक है। किस किस स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, यहां से फिजिकल एजुकेशन ले लिए और यहां से पेंटिंग ले लिए, तो पर्सन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर्सन बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है। फिर से आप पांच पेपर तक रख सकते हैं, आप पांच पेपर तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप छह पेपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो पेपर की बात, ये हुई पेपर की बात, ठीक है। अब आइए, अब रिजल्ट की बात, सर सीबीएसई रिजल्ट कैसे निकलता है, तो रिजल्ट के बारे में आप देख लीजिए, रिजल्ट कैसे निकलता है, ठीक है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है, इंग्लिश, इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश प्लस बेस्ट फोर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश आपका ठीक है, इंग्लिश ले लिया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ले लिए, तो इंग्लिश हो गया आप प्लस एक दो तीन, और जो बेस्ट एक इधर से जो मैथ्स लिया, मैथ्स ही लेके लिए हुए आप सिर्फ। अब ये चारों में इंग्लिश तो कंपलसरी है ना आपका, ये चारों में जो बेस्ट है उसको आप, हो सकता है मैथ्स में कम नंबर है आपका, इंग्लिश कंपलसरी है। अब एक दो तीन चार, ठीक है, छह, अब जो बेस्ट है उसको आप क्या कीजिए, ले लीजिए, फिर से देख लीजिए, इंग्लिश कंपलसरी हो गया आपका प्लस बेस्ट फोर सब्जेक्ट, तो कितना पेपर आप लिए हैं बताइए, अगर पांच ही लिए तब तो बेस्ट का ऑप्शन नहीं है, तब उतना ही लेना पड़ेगा आपको, छह लिए तो फिर बेस्ट का ऑप्शन पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब
सपोज, तो पूरा पेपर कितना हो गया, 500 में कितना मार्क्स आया आपका, 450 मार्क्स आया, कितना परसेंट हो गया, 90%। वेल एंड गुड, ये रिजल्ट की बात। यानी सीबीएसई रिजल्ट कैसे निकालता है, इंग्लिश प्लस बेस्ट स्कोर। पांच पेपर लिए तो बेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म, जो पेपर सबका परसेंट जुटेगा। छह पेपर लिए हैं तो आपके ऑप्शन होता है, एक पेपर रिप्लेस हो सकता है इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर रिप्लेस हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब एडमिशन पर्पस के लिए, एडमिशन पर्पस के लिए हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए, एडमिशन प्रोसीड्योर में क्या होगा, तो इस एडमिशन प्रोसीड्योर में इंग्लिश प्लस बेस्ट थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट ये सिस्टम किसके लिए बता रहा हूं बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। यानी प्लस 11, 12, प्लस 2 पास करके दिल्ली जाना चाहते तो ये सिस्टम रहता है वहां पे। क्या सिस्टम है देख लो, इंग्लिश प्लस 3 बेस्ट इलेक्टिव। सर बेस्ट इलेक्टिव मतलब क्या हुआ, जिसका प्रैक्टिकल का मार्क्स जिस तरह फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, पेंटिंग इलेक्टिव नहीं कहलाएगा, डांस इलेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स ज्यादा का होता है, ठीक है। जहां प्रैक्टिकल मार्क्स ज्यादा हो गया वो इलेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो लेना किसको होगा, तब आप आईपी ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, अब फोर्थ सर थोड़ा जान लेते हैं, पास के लिए, फेल के लिए, कंपार्ट के लिए, टन के लिए। ये देखो, ठीक है, अगर सुनिए, नंबर वन, अगर आप पांच पेपर लिए हैं, पांच ही पेपर आपका है, एक पेपर में फेल कर गए आप, एक में फेल कर गए, आपका रिजल्ट क्या होगा, पास फेल की कंपार्ट, आपका रिजल्ट क्या लग गया बताइए, कंपार्टमेंटल लग गया। लेकिन अगर आप छह पेपर लेते, एक में फेल करते तो पास कहलाते, दो तक फेल कीजिएगा कंपार्ट लगेगा, ठीक है। अगर छह पेपर लिए हैं, छह पेपर लिए हैं, एक में फेल कर गए, आपका रिजल्ट क्या कहलाएगा, पास। आप चाहते नहीं, अब ये नहीं, इसका भी एग्जाम देना चाहते, तो अगले साल, इस साल नहीं, कंपार्ट लगा तो इस साल आप दे पाइएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कितना पेपर लिए हैं, पांच, किस में फेल हो गए, एक में, क्या लगा, कंपार्ट। कितना पेपर लिए,
6, अगर एक फेल है तो पास कर लाइएगा, नहीं तो पेपर फेल रहेगा आपका। दो में कंपार्ट, अगर पांच पेपर लिए, अगर दो में फेल कर गए तब क्या कहलाइएगा? अगर पांच ही पेपर लिए हैं और दो में फेल कर गए तो फिर साहब फेल, छह पेपर लिए हैं तीन में फेल कर गए तो फेल। सही, पांच पेपर लिए हैं पांचों में पास कर गए तो क्या पास, छह पेपर लिए हैं छियों में पास कर गए तो पास, या छह पेपर लिए हैं पांच में पास कर गए तो पास। सही है, ये कॉन्सेप्ट है आपका सब्जेक्ट का। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर से। क्लास 11 कॉमर्स सब्जेक्ट, काला इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पांच तक लीजिए। छह लेना चाहते हैं तो मैथ्स लिए तो छठा में क्या लीजिए? पी ले लीजिए। सही है, ये आपका पेपर है। नेक्स्ट डे से क्लास हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग किसका पढ़ाई शुरू करेंगे, किसका पढ़ाई शुरू करेंगे? अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी शुरू करेंगे। तब आप, तब तक आप क्या करके रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन को तैयार करके रखेंगे आप लोग। क्या तैयार करके रखेंगे? ये आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा सीख के रखेंगे। सर अकाउंटेंसी क्या होता है, सर अकाउंटिंग क्या होता है, सर अकाउंट क्या होता है, सर ऑडिटिंग क्या होता है, सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। इतना आप अपने से घर से क्या करके पढ़ के रेडी करके रहिएगा। हम लोग कल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट के बारे में। राइट, कल क्लास मिस नहीं कीजिएगा। कल लोग शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्लियर, आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं।